लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रही हूं, साथ ही अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। उन्होंने कहा कि हां, मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं और अब मैं वही कर रही हूं। राधिका ने कहा कि अपने देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी। राधिका खेड़ा ने अपने इस्तीफे में लिखा कि हर हिंदू के लिए प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पवित्रता के साथ बहुत मायने रखती है। रामलला के दर्शन मात्र से जहां हर हिंदू अपना जीवन सफल मानता है, वहीं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। राधिका ने लिखा कि मैंने जिस पार्टी को अपने 22 साल से ज्यादा दिए, जहां NSUI से लेकर AICC के मीडिया विभाग में पूरी ईमानदारी से काम किया, आज वहां ऐसे ही तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा है, क्योंकि मैं अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने लिखा कि मेरे इस पुनीत कार्य का विरोध इस स्तर तक पहुंच गया कि मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुए घटनाक्रम में मुझे न्याय देने से इनकार कर दिया गया। मैंने हमेशा दूसरों के न्याय के लिए हर मंच से लड़ाई लड़ी है, लेकिन जब स्वयं के न्याय की बात आई तो पार्टी में मैंने खुद को हारा हुआ पाया। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को एक ट्वीट में राधिका खेड़ा ने दावा किया था कि वह पुरुषवादी मानसिकता से पीड़ित लोगों को बेनकाब करेंगी। रायपुर के राजीव भवन परिसर से राधिका खेड़ा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में राधिका खेड़ा अपने प्रति अनादर को लेकर शिकायत व्यक्त कर रही हैं। IIT अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाली राधिका खेड़ा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रही थी, साथ ही उनके पास छत्तीसगढ़ में मीडिया कोऑर्डिनेटर का जिम्मा भी था। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली की जनकपुरी सीट से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से हार गई थी। राधिका ने एक ट्वीट में कहा था कि माता कौशल्या के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है। पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित लोग आज भी बेटियों को पैरों तले कुचलना चाह रहे हैं। मैं जल्द ही इसका पर्दाफाश करूंगी। उन्होंने कहा था कि वह रामलला के ननिहाल में अपमानित महसूस कर रही हैं। उन्होंने भूपेश बघेल पर भी कटाक्ष किया, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सुशील आनंद शुक्ला को नियुक्त किया था। राधिका खेड़ा के इस्तीफे के बाद कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, यह आने वाले लोकसभा चुनाव में पता चल जाएंगे। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।